रामपुर के कस्बा दड़ियाल में प्राकृतिक आपदा तो हमेशा आती ही रहती है, लेकिन इस आपदा से निपटने के लिए विद्युत विभाग गंभीर नजर नहीं आ रहा। आपको बता दें कि अभी 4 दिन पूर्व आई आंधी तूफान ने सबके दिलों को हिला के रख दिया। इस आंधी तूफान से सबसे पहले विद्युत विभाग लाइट को बंद करता है ताकि कहीं शॉर्ट सर्किट न हो जाए। लेकिन यहां बता दें कि दड़ियाल के ग्राम अकबराबाद के बिजली घर से संचालित करीब 50 गांव को यहां से बिजली सप्लाई होती है, लेकिन आंधी तूफान के चलते 27 साल पुराने विद्युत तारे जर्जर हालत में हो चुकी हैं। कोई भी आंधी तूफान को ये नहीं सह पाते और टूट जाती हैं। विद्युत विभाग के संविदा कर्मी का कहना है कि ये तारे बहुत पुरानी हो चुकी हैं और इनका टूटने का ये कारण भी है कि जो खंभे 30 से 40 फुट की दूरी पर होने चाहिए वे खंभे विभाग द्वारा लगभग 80 से 100 मीटर की दूरी पर लगाए गए हैं, जिससे तारों को खिंचाव नहीं हो पाता और वे ढीली होकर तारे टूट जाती हैं। उसका स्पष्ट रूप से कहना है कि जब तक तारे नहीं बदली जाती हैं, ये समस्या जस की तस बनी रहेगी। आज लगभग 4 दिन से 50 गांव में विद्युत विभाग की घोर लापरवाही के चलते अंधेरा पसरा पड़ा है, लोग परेशान हैं। इसी के चलते इसी गांव अकबराबाद में आइडिया मोबाइल का टावर भी लगा है। टावर पर तैनात कर्मी का कहना है कि सर ये लगभग 8 दिन से लगातार तूफान आ रहे हैं, लाइन सब गिरी पड़ी हैं, जितना तेल कंपनी देती है वो हमने फूंक दिया, अपने पास से भी कुछ फूंक दिया। अब हमने कंपनी को कहा था तो कुछ तेल पहुंचा नहीं रहा, इसलिए टावर बंद पड़ा हुआ, क्या करें, परेशान है। तो आला अधिकारी से आपने बात करी इस बारे में टावर के? हमने टेक्नीशियन से बात करी, टेक्नीशियन के ऊपर एक FSC होता है उससे बात करी तो कोई सांस ही नहीं ले रहा तेल के बारे में। हाँ मिल जाएगा, आप मिल जाता आ जाता जब भी चलता। तो इसमें तो बहुत जनता को परेशानियाँ उठाना पड़ रही हैं क्योंकि टावर नहीं आ पा रहे हैं। सर क्या करें, हमने तो ऊपर सूचना दे दी अधिकारियों को कि तेल भिजवाओ, अब 4 से 6 दिन हो गए लाइट ना मिलते हुए, तो जो वो तेल देते हैं वो भूख चुका इसका। ये तूफान आया था, तूफान से लाइनें टूट गई हैं, जर्जर लाइनें हैं, हमारे 27 साल पुरानी लाइनें हैं, कहाँ तक चलेंगी? ये जर्जर तार हैं, 100 मीटर पे खंभा है, 80 मीटर पे, तो कहाँ तक खींचेंगे, कहाँ तक जोड़ेंगे इन्हें हम? तो इसमें जो ये लाइन पुरानी है तो फिर इसमें लाइन कौन सी होना चाहिए? जर्जर लाइन है ये, खराब लाइन कौन सी होना चाहिए? इसमें लाइन पूरा तार पड़ेगा 11 का नया, इसमें जगह जगह खंभे लगने चाहिए 25 मीटर पे, 40 मीटर पे, ये जब लाइन जाके चालू होगी ना तो ये तो पड़ी रहेगी, कहाँ तक इसे सुधारेंगे लाइन को, कहाँ तक चलेगी ये? गले हुए तार हैं, गले हुए तार हैं, इन्हें जोड़ते हैं, कल को तोड़ जोड़ते आज जोड़ते हैं, कल को दूसरा तार टूट जाता, कहाँ तक इन्हें सही करेंगे हम, कहाँ तक जोड़ेंगे? तो इस समय जो ये खंभे लगे हैं तो कितनी दूरी पर लगे हुए हैं? इस समय खंभे हैं कम से कम 100 मीटर पे है, 80 मीटर पे है, इतनी दूर खंभा। तो ये होना कितने मीटर पे चाहिए था? ये 40 से 50 मीटर का खंभा होना चाहिए। तो ये अब ये फॉल्ट जो आया हुआ है, ये जो करीब 3 दिन से पहले से ही लाइट बिल्कुल ठप है, तो ये कब तक लाइन चालू हो जाएगी? ये लाइन तो चालू बस 8 दिन लग सकते हैं, 15 दिन लग सकते हैं, ये तो चालू नहीं होगी जब तक खम्भे नहीं लगेंगे इसके नीचे, जब तक नया तार नहीं पड़ेगा जब तक खम्भे नहीं लगेंगे। पेड़ बहुत पड़ा है, पेड़ होता है, लैंड होता है, लैंड टूट गए, पोल बहुत टूट गए हैं।